अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मजमून निगारी हमारे सियारे पर मौसमियाती तब्दीली के असरात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज आज हमारे सियारे को दरपेश सबसे अहम मसाइल में से एक है। ये इंसानी सरगर्मियों जैसे फोसल फ्यूल जलाने और जंगलात की कटाई का नतीजा है, जिसकी वजह से ज़मीन के दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हुआ है। मौसमियाती तब्दीली का असर वसी है और इंसानों, जानवरों और पौधों समेत तमाम जानदारों को मुतासर करता है। मौसमियाती तब्दीली के सबसे नुमाया असरात में से एक समंदर की सतह में इजाफा है। जैसे जैसे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, ग्लेशियर्स और कला बर्फ़ पिघलते हैं, जिससे साहली इलाकों में सैलाब आ जाता है। इसके नतीजे में लाखों लोगों के बेघर होने के साथ साथ घरों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंच सकता है। मौसमियाती तब्दीली का एक और अहम असर इंतहाई मौसमी वाकया जैसे समंदरी तूफान, सैलाब और खुश्कसाली की बढ़ती हुई तादद और शिद्दत है। ये वाकयात बड़े पैमाने पर तबाही, जानी नुकसान और खुराक की पैदावार और सप्लाई चेन यानी कि फराहमी का सिलसिला में खलल डाल सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली कुदरती दुनिया को भी मुतासर करती है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, बहुत सी प्रजातियों को बदलते हुए माहौल के मुताबिक डालने पर मजबूर किया जाता है और कुछ जिंदा नहीं रह पाते। हयातियाती तनु यानी कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान पूरे माहौलियाती निज़ाम को यानी इकोसिस्टम को मुतासर करता है, जो कुदरती दुनिया पर मनफी असरात का बायस बन सकता है। माहौलियाती असरात के अलावा मौसमियाती तब्दीली के समाजी और इक्तसादी असरात भी नुमाया हैं। आबादी का बेघर होना, घरों और बुनियादी ढांचे का नुकसान और खुराक की पैदावार और सप्लाई चेन यानी कि फराहमी का सिलसिला, इसमें रुकावटें, इन सब के माशरे पर वसी असरात मरतब होते हैं। मौसमियाती तब्दीली की इक्तसादी लागत भी अहम है। अंदाजों के मुताबिक आने वाली दहाइयों में इससे आलमी माहियत को खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। आखिर में फाइनली यानी कि कंक्लूजन, मौसमियाती तब्दीली एक अहम मसला है जो हमारे सियारे के तमाम पहलुओं को मुतासर करता है। मौसमियाती तब्दीली के असरात दूरस हैं और आने वाली नस्लों पर इसके असरात मरतब होंगे। हमें अपने कार्बन फुट प्रिंट यानी कि कार्बन असरात को कम करने, वसाइल को महफूज करने और मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात को कम करने के लिए पायदार तरीकों को फ़रोग देने के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करने में नाकामी एक तबाहकुन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी, जहां मौसमियाती तब्दीली के नताए नाकाबिले वापसी होंगे। सो आई होप दोस्तों ये ऐसे आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू ऐसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।